हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ क्लास, क्लास फोर्थ। स्टूडेंट, यूनिट टू, एक्सरसाइज टू, पेज नंबर 11। ओके स्टूडेंट, सभी अपनी बुक ओपन कर लेंगे और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को की हिंदी समझेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन की हिंदी समझ में नहीं आती या क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। अगर स्टूडेंट, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है तो अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी आप उसका कुछ परसेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की हिंदी समझेंगे। ओके स्टूडेंट, राइट द रोमन न्यूमरल टू द फ्लोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल। स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपको ये हिंदू अरेबिक नंबर दिए गए हैं 27, 40, 29, 92, ओके स्टूडेंट, इन्हें आपको रोमन नंबर में चेंज करना है, ठीक है स्टूडेंट। कैसे चेंज करना है आपको इन्हें? रोमन नंबर में, ठीक है जी। तो स्टूडेंट, जो ये नंबर है ये ही हिंदू अरेबिक नंबर होते हैं, ठीक है जी, इन्हें आपको रोमन नंबर में चेंज करना है। स्टूडेंट, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने आपको रोमन नंबर कैसे बनते हैं और बनाने के बाद उन्हें कैसे चेक किया जाता है कि वे सही बने या गलत हैं, और स्टूडेंट उनके रोमन नंबर बनाने के लिए जो भी नियम होते हैं वे सब नियम, ठीक है जी, वो और 1 से लेकर 99,999 तक सभी रोमन नंबर बनाने आपको हमने उस वीडियो में सिखाई है। ओके स्टूडेंट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी देख लें, ताकि सबसे पहले कोई भी कार्य करने से पहले हमें उसके नियम पता होने चाहिए, ठीक है जी। तो देखिए, अब ये 27 है स्टूडेंट, ठीक है जी। अब 27 को आपको रोमन में लिखना है, तो आप स्टूडेंट कैसे लिखेंगे? तो स्टूडेंट, हमने जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें बताया था कि 34 रोमन नंबर याद करके, सिर्फ 34 रोमन नंबर याद करके स्टूडेंट आप 1 लाख तक के सारे रोमन नंबर लिख सकते हैं और कोई भी रोमन नंबर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है जी। तो देखिए, एक्स, एक्स का मतलब 10 होता है स्टूडेंट। जैसे 27 है तो 27 को पहले आप एक्सपेंड कर लीजिए, 20 + 7 इस तरह हो गया स्टूडेंट। तो 20 कैसे लिखा जाएगा? एक्स एक्स 20 हो गए, 7, 5, 6, 7, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ये हो गया, देखो एक्स एक्स कितने हो गए? 20, क्योंकि एक एक्स का मान 10 होता है, दूसरे का भी 10 होगा, 10, 10, 20 हो जाएगा, और वी का मतलब 5 और 2i का मतलब 2। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार आप इन्हें लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे इन्हें एक्सपेंड करके लिखेंगे तो कभी भी गलती नहीं होने की। ओके स्टूडेंट, अब आपको 40 लिखना है, ठीक है जी। 40 के लिए आपको पता है कि ये एल है, एल का मतलब 50 होता है ना जी। और कोई भी रोमन नंबर में अगर पहले राइट हैंड पे आपकी कोई डिजिट लिख रही है, उससे पहले कोई छोटी डिजिट लिखी हुई है, तो स्टूडेंट वो उसमें से सब्ट्रैक्ट होती है, माइनस हो जाती है। तो अगर हमने यहाँ पे एक्स लिख दिया, एक्स का मतलब 10 होता है, एल का मतलब 50 होता है, तो 50 में से 10 माइनस कर दिए तो स्टूडेंट ये 40 हो जाएगा। तो जी, एक्स एल का मतलब क्या होता है? 40, ठीक है जी। अब 29, तो स्टूडेंट 20 और 9, 20 हो गया और 9 का एक्स, एक्स से पहले हम आई लिख देंगे, तो स्टूडेंट इसमें से माइनस होगा पढ़ा जाएगा, तो ये 9 हो गया और ये 20 हो गया, तो कितने हो गए स्टूडेंट? 29। ठीक है जी। अब है जी 92 स्टूडेंट, आप जानते हैं सी का मतलब 100 होता है, ठीक है जी। अगर हम एक्स से पहले या सी से पहले एक्स लिख देंगे स्टूडेंट, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, तो
तो 100 में से 10 माइनस कर दिया, कितने बचे आपके पास 90, और स्टूडेंट 2 हो रहा है 1 और 1 2, तो क्या हो जाएगा जी 92। अब है जी 39 स्टूडेंट, एक्स 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 30 और 9 एक्स से पहले वाई, तो ये इस तरह हो जाएगा 39। ओके स्टूडेंट, आप ऐसे एक्सपेंड भी कर सकते थे भाई, 30 प्लस 9 तो 30 की स्प्रिंग 3x हो गए। अगर कोई भी रोमन नंबर इक्वल है या राइट साइड छोटी यूनिट लिखी हुई है स्टूडेंट, तो हमेशा प्लस होगी, ठीक है। अगर पहले छोटी लिखी हुई है तो माइनस होगी, बाद में लिखी हुई है तो प्लस हो जाएगी, ठीक है जी। तो पहले 30 होगी फिर 9 की लिख ली। अब है जी 47, तो स्टूडेंट 40 कैसे बनेगा, ये एल है और ये एक्स है, तो ये 40 होगा, 50 में से 10 माइनस कर दिए तो कितने हो गए 40, तो स्टूडेंट ये तो हो गए 40। अब हमें 7 की लिखनी, वी का मतलब 5 6 7, तो स्टूडेंट अगर आप इन्हें तो ऐसे तोड़ के करेंगे है ना, तो कभी भी गलत नहीं होने का और बिल्कुल सही होंगे, इस बात की गारंटी है। ओके स्टूडेंट, अब राइट द हिंदू अरेबिक न्यूमरल टू द फॉलोइंग रोमन न्यूमरल्स। ओके स्टूडेंट, देखिए अब आपको रोमन न्यूमरल दिए गए हैं, आपको इनके लिए हिंदू अरेबिक न्यूमरल लिखने हैं। ओके स्टूडेंट, सेम पहलेगा अपोजिट है, इसमें हिंदू अरेबिक दे रखे थे रोमन लिखवा रहा था, इसमें रोमन दे रखे हैं हिंदू अरेबिक लिखवा रहा है। ओके स्टूडेंट, तो देख लीजिए एक्स का मतलब क्या होता है 10, और वी से पहले 1 है तो इसमें से माइनस होकर पड़ा जाएगा, तो 4 हो गए 10 और 4 14, तो स्टूडेंट एल का मतलब 50 और 10 60, और ये 10 है 10 से पहले 1 है तो 9 हो जाएगा, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 69। ओके स्टूडेंट, आगे सी है एक्स 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 वी। ओके स्टूडेंट, तो जी 10 10 10 कितने हो गए 30, और ई वी का मतलब 5, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा 35। अब स्टूडेंट ये क्या है एल, एल का मतलब क्या होता है 50 51 52 53, तो स्टूडेंट आपको भी ऐसे ही करना, अब आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर आप ऐसे ऐड करके लिखेंगे तो कभी भी गलत नहीं होने का। ओके स्टूडेंट, अब एल का मतलब 50 60 70 80 81 82 83, लेकिन स्टूडेंट कुछ रोमन नंबर की वैल्यू आपको पता ही करनी होगी, याद रखनी ही होगी, तभी आप इन्हें लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट 50 60 70 और 5 75 हो गया, बहुत ही आसान है, ठीक है जी। तो इस प्रकार आप इन्हें कर लेंगे। सर्किल द रोम रोमन न्यूमरल, स्टूडेंट जैसे 6 दिया है, 6 के लिए 2 रोमन न्यूमरल दिए गए हैं है ना, तो आपको इनमें बता रहा है कि कौन सा रोमन न्यूमरल सही है और कौन सा गलत है, जो रोंग है उस पर आप सर्किल बनाएंगे, ठीक है जी, और जो राइट है उसे कुछ नहीं करेंगे। देखिए 6 लिख रहा है, अब ये वी है, वी से पहले आई लिखा हुआ है, तो आपको पता है अगर पहले कोई बड़ी यूनिट है उससे पहले
छोटी है तो उसमें से माइनस होती है, तो फाइव में से वन गए तो फोर, तो स्टूडेंट ये फोर हो जाएगा। अगर आगे लिखी हुई है तो ये प्लस होती है, फाइव और वन सिक्स, तो स्टूडेंट ये सिक्स हो गया, ये सही है। और ये इसने कहा था रोंग को सर्किल कर दीजिए, तो आप रोंग को सर्किल कर देंगे, ठीक है जी। अब स्टूडेंट यहाँ लेवन लिखा हुआ है, टेन है, टेन से पहले वन है तो ये नाइन हो गया, टेन के बाद वन है तो ये अलेवन हो गया, तो रोंग क्या है जी, नाइन, ठीक है जी। अब ये टेन है, टेन का आपको पता ही है, टेन का मतलब क्या होता है, एक्स, ठीक है जी। और ये वी वी, तो स्टूडेंट आपको हमने बताया था कि वी कभी भी रिपीट नहीं होता, देखो इन्होंने यहाँ वी को रिपीट कर रखा, दो बार रिपीट कर रखा, तो क्या आप ये सोचेंगे फाइव फाइव टेन हो गए, लेकिन अगर आपको ये पता है रूल कि भाई वी कभी रिपीट नहीं होता तो आप इसे पहले ही रोंग कर देंगे, ठीक है। देखते साथ आपको पता चल जाएगा कि भाई ये रोंग है। रोमन नंबर में कोई भी डिजिट तीन बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो सकती, याद रखें, ठीक है जी। अब है जी 55, एल का मतलब 50 और ये 5, तो 55 ये सही है, ये 50 है और ये 5 है, तो स्टूडेंट ये 55 नहीं हो सकता, तो ये ही गलत है, क्योंकि एल में से कभी भी वी माइनस नहीं होता, एल में से हमेशा एक्स ही माइनस होगा, याद रखें, ठीक है जी। ये 5 है, 5 में से बन गए 4, वन टू थ्री फोर, ये फोर आई बनाई इन्होंने, तो स्टूडेंट ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कि रोमन नंबर में कोई भी डिजिट तीन बार से ज़्यादा प्रयोग नहीं हो सकती, तो इन्होंने चार बार लिखा तो ये गलत ही है, ओके स्टूडेंट। अब ये 93 है, सी, सी का मतलब 100 और 10 माइनस कर दिया 90, 91, 92, 93, तो स्टूडेंट ये 93 होगा, ये भी 93 है, तो रोंग ये हो जाएगा अपना भी, एल और टेन एक्स तो कितने हो गए जी 60, और एल 110, तो स्टूडेंट यहीं तक हो गए, तो ये ही गलत है, स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल के सिंबल लगाने हैं, ओके स्टूडेंट, जो ये साइन दिए हुए हैं ये आपको इनके बीच में लगाना है। स्टूडेंट आप जानते हैं अगर ये 4 लिखा हुआ है, ये 5 है, तो जो सिंबल होता है, जो बड़ी डिजिट होती है उसकी तरफ उस सिंबल का मुंह खुला हुआ होता है, ठीक है जी। जो नोक होते हैं वो जो छोटी डिजिट होती है उसकी साइड होती है, इस बात को ध्यान रखें। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये वाला इक्वल का चिन्ह लग जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट ये तो आपको पता 34 है, अब इसे भी देख लीजिए क्या है, 10 10 10, 30 और 5 से पहले 1 है तो 4, तो स्टूडेंट ये भी 34 ही है, तो ये भी 34 है, ये भी 34 है, तो स्टूडेंट इक्वल का चिन्ह आ जाएगा, है ना। अब L का मतलब 50, X का मतलब 10, तो कितने हो गए जी 60 हो गए, L का मतलब 50 लेकिन उससे पहले X है तो सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 50 में से 10 गए 40, तो स्टूडेंट कौन बड़ा है 60 बड़ा होता है ना। अब यहाँ क्या है 98, और ये क्या है जी C का मतलब 100 और 10 माइनस हो गए जी 90 होगा, 95, 96, 97 हो गया, और ये 98 है, तो स्टूडेंट कौन बड़ा है 98 बड़ा है। अब L का मतलब 50 है, X का मतलब 10, कितने हो गए 50 और 10 60, 61, 62, 63, ओके स्टूडेंट ये 63 हो गया, और ये कितना है 73, तो कौन बड़ा है जी 73 बड़ा है,
अब एल का मतलब 50, 60, 70, 80। अब ये 82 है स्टूडेंट, तो 82 बड़ा होगा। अब सी का मतलब 100, एक्स का मतलब 10, तो 90 हो गया, माइनस 1 के बाद 95, 96, 97, 98, तो स्टूडेंट ये 98 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 है और ये 9 है स्टूडेंट, 10 में से 1 गए 9, तो ये 99 है। तो स्टूडेंट 98 और 99 में कौन बड़ा है, 99 बड़ा है। ओके स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं ये एक्सरसाइज जो 2 है जी, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4, ये 4 क्वेश्चन हमने आपको करा दिए। ओके स्टूडेंट, आपको उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको नहीं आते स्टूडेंट ये क्वेश्चन, कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है, कहीं कोई डाउट है आपको, तो आप उसके लिए कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।